नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तों की स्वागत करता हूं आप सभी का मदर मिरेकल डिजिटल क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5, जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो बच्चों, पहली वीडियो आपने इस चैप्टर की पढ़ ली है, अब ये दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। पहले वाले चैप्टर में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फिजिकल कैपिटल किसे कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दीज आर द टॉपिक्स विच वी कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो। सो अब जो ये वीडियो आ रहा है, इसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड की ओर। इंडिया इज अ नॉलेज इकोनॉमी। द इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज़ बीन शोइंग एन इम्प्रेसिव रिकॉर्ड ओवर द पास्ट डिकेड। एंटरप्रेन्योर ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस आर नाउ एडवांस व्यूज अबाउट हाउ इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म इट्सेल्फ इंटू अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देयर हैव बीन सम इंस्टेंस ऑफ विलेजर्स यूजिंग ई मेल विच आर सिटेड एज एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रांसफॉर्मेशन। लाइकवाइज ई गवर्नेंस इज बींग प्रोजेक्टेड एज अ वे ऑफ अ फ्यूचर। द वैल्यू ऑफ आई टी डिपेंड ग्रेटली ऑन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया कि इंडिया एक नॉलेज इकोनॉमी के तौर पे भी काम करता है। कैसे करता है भारत? भारत एक शिक्षित अर्थव्यवस्था भी है, शिक्षित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपने देखा होगा कि इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आज की डेट में सबसे ज़्यादा पिछले कुछ दशकों में अपना अच्छी छाप पूरे वर्ल्ड पर छोड़ चुकी है। ठीक है, भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है, उसका सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव रिकॉर्ड पिछले कुछ दशकों में देखा गया है। और उस इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज ने सबसे बड़ी छाप कुछ दशकों में पूरे वर्ल्ड पर छोड़ी है। ठीक है, एंटरप्रीन्योर आपने देखे होंगे, ब्यूरोक्रेट्स आपने देखे होंगे, पॉलिटिशियंस जो आज की डेट में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के रूप में ट्रांसफॉर्म होती जा रही है हमारी इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चों, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ये एडवांस आपने देखा होगा, वो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इन्होंने भारत को एक शिक्षित अर्थव्यवस्था के रूप में ट्रांसफॉर्म किया है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं कि आपने देखा होगा गाँव में, भारत में आज भी ईमेल की फैसिलिटी अवेलेबल है और लोग आसानी से ईमेल कर पाते हैं, लोग जानते हैं, ग्रामीण लोग भी ईमेल की फैसिलिटी को जानते हैं। तो ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है कि भारत एक शिक्षित अर्थव्यवस्था है। ठीक उसी प्रकार से ई गवर्नेंस भी आपने देखा होगा, जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं, जितने भी रिलेटेड काम होते हैं, उन सबको अब क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन आई टी बेस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑनलाइन ले आया गया है, जिससे कि किसी भी ग्रामीण को या किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार से कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आई टी डिपेंड ग्रेटली ऑन एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एग्जिस्टिंग लेवल है वो डिपेंड करता है किस पे? हमारे समाज की आर्थिक विकास पर। ठीक है, तो हमारा आर्थिक विकास जितना होगा उतना ही हमारा आई टी लेवल भी डेवलप होगा। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो हमारा आर्थिक डेवलपमेंट जो होगा किसी भी चीज़ का, वो हमारा आईटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो आशा है ये आपको समझ में आ गई होगी स्लाइड। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बच्चों, यहाँ पे दो टर्म दिख रही हैं आपको, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, दोनों बहुत अलग अलग टर्म है, इनको सेम ना समझिए। ह्यूमन कैपिटल एक छोटी सी टर्म है और ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत बड़ी टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म देन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्ड एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत बड़ी टर्म है ह्यूमन कैपिटल से। ह्यूमन कैपिटल, जैसा कि आपको पढ़ाया गया था, ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत एजुकेशन और हेल्थ के मेजर्स को लिया जाता था, जिससे कि हेल्थ की फैसिलिटीज को लिया जाता था, जिससे कि यूज़र्स की यानी कि लोगों की क्या बढ़ सके, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी स्किल्स को बढ़ाया जा सके।
ठीक है, तभी उन्हें एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती थी। तो ह्यूमन कैपिटल एक छोटा सा रूप है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पे देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेल बींग, बिकॉज वेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, द एबिलिटी ऑफ लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दे विल बी एबल टू मेक अदर चॉइसेस दे वैल्यूज। समझ में आया बच्चों? अगर ह्यूमन डेवलपमेंट जो बेस करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो बेस आइडिया है, इसमें इसका मतलब है यहाँ पर कि इसमें हेल्थ और एजुकेशनल पॉलिसीज को बनाया जाता है जिससे कि इंसान आसानी से लिख सके, बोल सके और पढ़ सके। ठीक है, लिखने पढ़ने और बोलने से क्या फ़ायदा होता था उस इंसान को? फ़ायदा ये होता था कि वो उसे जहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती थी, जहाँ अच्छे चॉइसेस मिलते थे, वो वहाँ की तरफ मूव हो सके। ठीक है, यानी कि अच्छी हेल्थ लाइफ मिले, अच्छे उसे खाना पीना मिले, अच्छा इनकम मिले, तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, एक फैक्टर्स बन जाते थे कि इंसान के विकास के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत बड़ी टर्म है। इंसान का विकास कैसे होगा? इंसान का विकास तभी हो सकता है जब उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसकी एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी हो। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल एक टर्म है जिसके अंतर्गत हेल्थ और एजुकेशन फैक्टर को लिया जाता था जिससे कि यूज़र की क्या बढ़ सके, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। समझ में आया? तो दोनों बहुत डिफरेंट टर्म है, एक बहुत बड़ी टर्म है, एक छोटी सी टर्म है। ह्यूमन कैपिटल छोटी टर्म और ह्यूमन डेवलपमेंट बड़ी टर्म है। इन ह्यूमन कैपिटल व्यू, एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ डज नॉट इन्हांस आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। देखो, सिंपल सी बात है, ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी प्रकार का शिक्षा या हेल्थ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करा गया है और उससे गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है तो उस पर खर्चा करना व्यर्थ है। ठीक है, वो वेस्ट हो जाता है। द ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव्स ह्यूमन बींग्स आर एंड इन देमसेल्फ, और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत कोई भी किसी भी प्रकार का आउटपुट इंक्रीज नहीं होता है, ये ह्यूमन के अंदर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट करी जाती हैं। देयरफॉर बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ आर इम्पॉर्टेंट इन देमसेल्फ इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लेबर प्रोडक्टिविटी। देखो, बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ का होना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी में अगर उन्हें बेसिक हेल्थ और बेसिक एजुकेशन की जानकारी होगी तो वो आसानी से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। डच बैंक एंड वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। देखो बच्चों, अब हमने एक रिपोर्ट लिखी है, यहाँ डच बैंक और हमारी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, तो उसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा था। अकॉर्डिंग टू टू इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स, वन फ्रॉम डच एंड अदर फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, हैव आइडेंटिफाइड दैट इंडिया वुड ग्रो फास्टर ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आया? यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, दो रिपोर्ट थी अलग अलग, पहली थी डच बैंक जो था हमारा, और दूसरा क्या था हमारा, वर्ल्ड बैंक। तो दोनों ने अलग अलग रिपोर्ट तैयार करी थी, लेकिन दोनों ने एक चीज़ कॉमन फाइंड आउट करी थी कि भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण इंडिया में तेजी से इकोनॉमी का विकास किया जा सकता है और ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सकता है। समझ में आया? यानी कि ह्यूमन कैपिटल होने की वजह से वो सबसे स्ट्रांग बन सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखो, पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया था बच्चों, अकॉर्डिंग टू द डच बैंक, अ जर्मन बैंक रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ग्रोथ सेंटर, इट हैज बीन आइडेंटिफाइड दैट इंडिया विल इमर्ज एज वन ऑफ अमंग फोर मेजर ग्रोथ सेंटर इन वर्ल्ड बाई 2020। दीज रिपोर्ट ऑल्सो सेज द बिटवीन 2005 टू 2020 वी एक्सपेक्ट अ 40% राइज इन एवरेज ईयर इन एजुकेशन इन इंडिया टू जस्ट अबव 7 years old। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है बच्चों, डच बैंक ने जो रिपोर्ट तैयार करी थी, उन्होंने उस रिपोर्ट को ग्लोबल ग्रोथ सेंटर में पब्लिश करा था, और जिसमें पाया गया कि भारत 2020 तक सबसे ज़्यादा मेजर ग्रोथ करने वाला क्या हो सकता है, सेंटर बन सकता है। ठीक है, दिस रिपोर्ट ऑल्सो सेज दैट बिटवीन 2000 टू 2020 वी एक्सपेक्ट अ 40% राइज इन एवरेज ईयर इन एजुकेशन। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया, इस रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने ये कहा, 2005 से 2020 तक
टोटल जो हमारा एवरेजली इंक्रीज हो रहा था एजुकेशन में वो था 40%, यानी कि हर साल 2005 के बाद 40% क्या इंक्रीमेंट हो रहा था, एजुकेशन का इंक्रीमेंट हो रहा था, जिससे कि ये पता चलता है कि भारत आने वाले समय में एक बहुत बड़ी ग्रोथ की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अपना। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इंडिया द नॉलेज इकोनॉमी लर्निंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी स्टेट्स दैट इंडिया शुड मेक अ ट्रांजिशन टू द नॉलेज एंड इकोनॉमी एंड इफ इट इज यूजेज इट्स नॉलेज एज मच एज आयरलैंड डज देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया विल इंक्रीज फ्रॉम द लिटिल ओवर US 1000 इन 2002 टू US $3000 इन 2020। तो देखो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने क्या बोला कि भारत एक क्या है, शिक्षित अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ उसमें जो शिक्षा का स्तर है, उसमें जो लिवरेज स्ट्रेंथ पाई जाती है और अपॉर्चुनिटीज पाई गई है भारत की शिक्षित अर्थव्यवस्था में, उसका ट्रांजिशन ये होगा, उसका इफेक्ट ये होगा कि हमारी हमारी जो हमारे देश की जो नॉलेज इकोनॉमी है उसकी नॉलेज को अगर प्रॉपरली यूज़ किया जाए, भारत की जो इकोनॉमी है उसकी नॉलेज इकोनॉमी को प्रॉपरली यूज़ किया जाए, तो जिस प्रकार से आयरलैंड की क्या थी, आयरलैंड ने अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ाई थी, उसी प्रकार से भारत भी अपनी पर कैपिटा इनकम को बढ़ा देगा। कितने से, $1000 2002 में पर कैपिटा इनकम थी भारत के प्रति व्यक्ति की, 2020 में यह बढ़ के हो जाएगी उनकी रिपोर्ट के अनुसार कितने, $3000 2020 में। यानी कि वर्ष 2020 में अगर देखा जाए, अगर भारत प्रॉपरली नॉलेज इकोनॉमी लिवरेज और स्ट्रेंथ को बनाए रखता है और अपॉर्चुनिटीज को बनाए रखता है, तो 2020 में भारत की जो पर कैपिटा इनकम होगी पर व्यक्ति की वो कितनी होगी, $3000 पर ईयर। समझ में आया बच्चों? तो ये थी हमारी पर कैपिटा इनकम के ऊपर। नेक्स्ट, अब इन दोनों की रिपोर्ट के हिसाब से एक और पॉइंट निकल के आया। इट फर्दर स्टेट्स दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज ऑल द की इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग दिस ट्रांजिशन सच एज क्रिटिकल मास ऑफ स्किल्ड लेबर, अ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी एंड अ डाइवर्सिफाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। दस टू रिपोर्ट पॉइंट आउट द फैक्ट दैट द फर्दर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया विल मूव इट्स इकोनॉमी टू हायर ग्रोथ। ऑब्वियसली है, जाहिर सी बात है, जहाँ पे बोला गया है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में उसके क्री इंग्रेडिएंट को लगाया जाए, प्रॉपरली करा जाए, जैसे कि भारत में जो क्री इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, जैसे कि स्किल वर्कर पाए जाते हैं, नॉलेज बेस्ड डेमोक्रेसी पाई जाती है, ठीक है, डाइवर्सिफाइड साइंस पाई जाती है, अलग अलग तरीके के साइंस के प्रकार पाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर अलग तरीके से पाया जाता है, अगर ये दोनों रिपोर्ट को मिलाया जाए तो ये फाइंड आउट होता है कि भारत में जो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन इसी प्रकार से यदि होता चला गया तो भारत में आर्थिक विकास बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। समझ में आया बच्चों? तो ये थे हमारी डच बैंक की रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जिसके अनुसार हमने चार पॉइंट्स निकाले थे। पहला तो क्या था, पहले वाले में क्या था, अगर भारत में पहले वाले में पॉइंट में बोला गया था भारत अपनी क्या अगर नॉलेज का प्रॉपरली यूज़ करता है तो 2020 में भारत में सबसे ज़्यादा अगर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी अगर प्रॉपरली यूज़ करी जाए तो भारत में 2020 तक हर ईयर में कितनी परसेंट इंक्रीमेंट होगा, 40% एजुकेशन सेक्टर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। दूसरा था पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी $1000 से लेकर $3000 तक, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था कि स्किल्ड लेबर अगर तेज़ी से काम करती चली गई और हमारे यहाँ ऐसी प्रकार से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होती चली गई और वेल डेमोक्रेसी अगर उसे वेल फंक्शन डेमोक्रेसी का साथ मिला और टेक्नोलॉजी का साथ मिला तो भारत 2020 में सबसे तेज इकोनॉमी ग्रोइंग करने वाला देश कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बच्चों इसको मैंने पहले भी समझाया है, पिछले वीडियो में छोटे छोटे पॉइंट्स में समझाया था, अब यहाँ थोड़ा ब्रीफली समझा देते हैं हम कि क्या क्या फॉर्मेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में भारत में क्या क्या समस्याएं आती है। तो द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडियाज आर राइजिंग पॉपुलेशन, रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली
एडवर्सली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया. इट रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज लाइक सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट, ड्रेनेज, वाटर सिस्टम, हाउसिंग, हॉस्पिटल, एजुकेशन, फूड सप्लाई, न्यूट्रिशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सेट्रा. तो बच्चों यहाँ पर साफ साफ बोला था कि सबसे बड़ी समस्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को करने में भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है राइजिंग पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि. जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस प्रकार से हमारे रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं. ठीक है, यदि अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती ही चली गई तो हमारे पास पर हेड अवेलेबिलिटी जो रिसोर्सेज की है वो कम होती चली जाएगी. जैसे स्वच्छता के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या एम्प्लॉयमेंट जितनी हमारे यहाँ अवेलेबल है उस हिसाब से अगर पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में हमें समस्याएं आती रहेंगी. फूड कम होगा, न्यूट्रिशंस कम मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पर हेड कम मिलेगी. ठीक है, हाउसिंग, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कम होती चली जाएगी. दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ब्रेन ड्रेन. तो बच्चों मैंने इस पॉइंट को समझाया था, ब्रेन ड्रेन का मतलब है यहाँ पर दिमाग खराब करना. दिमाग खराब करने वाला वैसा वाला दिमाग खराब करना नहीं है ये कि नॉर्मली दिमाग खराब कर दिया. इसका कहने का मतलब था जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट किसी इंसान के अंदर होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को ढूंढेगा और वो अपने देश में ना रह के दूसरी जगहों पे लोग मूव कर जाते थे. मतलब होता ये था कि जितने टाइम पे हम क्या करते थे, लोगों को तैयार करते थे, वो माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते थे. जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा है, माइग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड लेबर टर्म एज अ ब्रेन ड्रेन, दिस स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन डोमेस्टिक इकोनॉमी. यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था में सिंपल सी बात है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग क्या कर जाते हैं, जैसे ही शिक्षित हो जाते हैं, जैसे ही स्किल उनके अंदर आ जाती है, वो क्या करते हैं, अपनी जगह से मूव कर जाते हैं. यानी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी से मूव करके वो क्या इंटरनेशनल इकोनॉमी में चले जाते हैं. यानी कि वो भारत में ना, जैसे हमने किसी लोगों को तैयार करा, उनको नॉलेज दी, उसको काम के लिए तैयार करा, जैसे वो परफेक्ट हुआ उसे वो क्या करता है, वो इंसान अच्छे रिसोर्सेज की वजह से वो अपने देश में ना रह के दूसरी जगह, जहाँ दूसरे देश में जहाँ उसे अच्छी लेबर मिल रही हो, जहाँ जहाँ अच्छी उसे हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो वहाँ पे मूव कर जाता है. तो ये क्या है, ब्रेन ड्रेन, जिस कारण हमारे देश का विकास नहीं हो पाता. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये सेकेंड सबसे बड़ी समस्या है. थर्ड है इनसफिशियंट ऑफ मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब ट्रेनिंग. सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर भारत देश में सबसे ज़्यादा मैन पावर प्लानिंग और इनसफिशियंट पाया जाता है और जॉब ट्रेनिंग भी इनसफिशियंट पाई जाती है. देयर इज़ अ इनसफिशियंट मैन पावर प्लानिंग इन लेस डेवलप्ड कंट्री वेयर नो एफर्ट हैव बीन मेड आइदर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एट द डिफरेंट स्टेजेस टू मेंटेन द डिमांड एंड सप्लाई द टेक्निकल लेबर फोर्स. इट इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन स्किल्स. तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ह्यूमन पावर प्लानिंग में हमारे पास क्या है, इनसफिशियंट रिसोर्सेज हैं. आपने देखा होगा जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर सफिशियंट रिसोर्सेज नहीं पाए जाते हैं. इनएफिशियंट और इनसफिशियंट क्या पाए जाते हैं, रिसोर्सेज को पाया जाता है. यही कारण है वहाँ पर आपने देखा होगा उनकी अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई एफर्ट नहीं लगाया जाता जिससे कि शिक्षा का स्तर बढ़ सके. डिफरेंट स्टेज पर लोगों की शिक्षा के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई टेक्निकल लेबर फोर्स को बढ़ा नहीं सकते, उन्हें डिफरेंट नहीं कर सकते. यानी कि अगर कहीं पे डिमांड ज़्यादा है टेक्निकल लेबर की तो वहाँ पर नॉलेज ना होने के कारण, अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ना होने के कारण मैन पावर प्लानिंग में शॉर्टेज पाई जाती है. यही कारण है आपने देखा होगा कि बहुत से देश हमारे देश से क्या करते हैं, हमारे देश के लोगों को ले जाते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग कराते हैं और तैयार करके अपने यहाँ क्या करते हैं, वो मैन पावर करवाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ खुद की मैन पावर इतनी तगड़ी नहीं होती, वो हमारे यहाँ से ले जाते हैं. समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे सस्ते रेटों में मिल जाती है और उसका फ़ायदा कैसे मिलता है, उस नेशन को मिलता है. और हमारा जो तैयार किया हुआ वर्कर हो जाता है वो कहाँ चले जाता है, मूव कर जाता है, जैसा मैंने समझाया था ब्रेन ड्रेन टर्म के अंतर्गत. ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस नेक्स्ट है आपका. लॉन्ग टर्म प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज लॉन्ग टर्म पॉलिसी बिकॉज स्किल फॉर्मेशन टेक्स टाइम. ऑब्वियसली है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत लंबी पॉलिसी है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक बहुत लंबी पॉलिसी है जिसके अंतर्गत लोगों को तैयार करा जाता है, ह्यूमन कैपिटल को ट्रेन करा जाता है, तब जाके वो काम को करते हैं. तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत आपने देखा होगा स्किल फॉर्मेशन दिया जाता है, वो टाइम लेती हैं. जब तक इंसान तैयार होता है
और हमारे देश में मैन पावर जो है, स्किल मैन पावर जो है वो बहुत स्लो है, उसका रेट जो है बहुत स्लो है, ठीक है। जिस कारण हमारी जो, जब तक हमारा हमारा क्या होता है, जब तक हमारा लेबर तैयार होता है या स्किल्ड पावर, मैन पावर तैयार होती है, उतने समय में वो दूसरी जगह मूव कर जाता है, क्योंकि जब वो तैयार हो जाता है तो परफेक्ट हो जाता है अपने काम में, और वो कहाँ चले जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में लोगों से कम्पीट करने लग जाता है। और इस चीज़ में हमारे देश में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाई पॉवर्टी लेवल्स। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लीव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, डू नॉट हैव एक्सेस टू द बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट हायर एजुकेशन, एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मेजर डिजीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में ह्यूमन, आपने देखा होगा, बेसिक बेसिक चीज़ें ही नहीं मिल पाती हैं। हाई पॉवर्टी लेवल हमारे देश के अंदर, गरीबी की जो लेवल है, गरीबी का जो स्तर है बहुत ऊंचा रखा गया है, उच्च स्तर पे पाई जाती है गरीबी हमारे देश में। क्यों पाई जाती है, उसका रीज़न यह है, कई जगहों पर आपने देखा होगा जो लोगों की बेसिक नीड होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो उन तक नहीं पहुंचती, यानी कि बेसिक हेल्थ फैसिलिटी और बेसिक एजुकेशनल फैसिलिटी उनको नहीं मिलती, जिस कारण से वो बच्चे समाज के वो बड़ा हिस्सा हायर एजुकेशन और एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट को नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे देश में जो इनकम का लेवल है बहुत निचला है, और हमारे देश में जो गरीबी पाई जाती है बहुत ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। समझ में आया बच्चों? तो 5 पॉइंट थे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम के। पहला राइजिंग पॉपुलेशन, दूसरा ब्रेन ड्रेन, तीसरा इनसफिशियंट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, एंड चौथा है आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और पांचवा है हाई पॉवर्टी लेवल्स, यानी कि गरीबी का उच्चतम स्तर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो बच्चों अब आप, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट स्टैटिक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी और 10th में भी, एजुकेशनल रेट एंड द इनकम इंडिकेट्स रैंक कंट्रीज इनटू फोर टायर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के जो जो चार चीज़ें मेन होती हैं, पहली कौन सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, सेकंड एजुकेशनल लेवल, थर्ड इनकम लेवल, और चौथा था इसमें एक और चीज़ होती थी बेटा, हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत चार चीज़ों को रखा जाता है, और यही चार टायर माने जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के, ठीक है। इट वॉज क्रिएटेड बाय इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक। तो किसने किसने बनाई थी बेटा ये पहली बार, महबूब उल हक करके एक व्यक्ति थे, इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार करा था, जिसको बाद में फॉलो करा अमृता सेन इन 1990s में, ठीक है। 1990 में अमृता सेन नाम की एक लड़की थी, जिसने महबूब उल हक के इस SDI कॉन्सेप्ट को क्या करा, फॉलो करा, एंड पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, UNDP अपनी SDI इंडेक्स को निकालती है, ठीक है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फर्स्ट टाइम किसने निकाला था, महबूबुल हक ने निकाला था, और उसको फॉलोड करा अमृता सेन ने, अमृत्या सेन है बेटा ये, अमृता सेन नहीं है, अमृत्या सेन है, 1990 में, ठीक है। अब इंडिया हैज 136 पोजिशन इन वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपको मैं बताना चाहूँगा जानकारी के अनुसार कि हमारा जो देश है 136वीं पोजीशन में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर संसार में, ठीक है। यानी कि भारत की 136वीं रैंक है SDI के अनुसार। समझ में आया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। बच्चों ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं हम, यहाँ पर ब्रीफ में हम इसको पढ़ेंगे। एजुकेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, स्पेशली इन स्कूल कॉलेज, टू इम्प्रूव नॉलेज, डेवलप स्किल। फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो बेटा जैसे हमने बताया था कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अध्ययन, ठीक है, अध्ययन कराया जाता है, ट्रेनिंग कराया जाता है और सिखाया जाता है। कहाँ कहाँ सिखाया जाता है, स्कूल एंड कॉलेजेस में, जिससे कि इंसान के अंदर नॉलेज इम्प्रूव हो और उनके अंदर क्या डेवलप हो, स्किल्स डेवलप हो। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो ऑब्जेक्टिव भी हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं शिक्षा के रिगार्डिंग, ठीक है। पहला पॉइंट है, इट प्रोड्यूस गुड सिटीजन, ऑब्वियसली है,
जितनी ज़्यादा अच्छी शिक्षा उतने अच्छे वहाँ के लोग, ठीक है। इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली है, जहाँ ऐसी बात है, जहाँ पर शिक्षा होगी वहाँ पर विज्ञान और तकनीकी विकास ज़्यादा होगा। इट फैसिलिटेट यूज द नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल रीजन ऑफ द कंट्री। जितने भी कंट्री में, हमारे कंट्री के सभी क्षेत्रों में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली यूज़ किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। इट एक्सपेंड मेंटल होराइजन ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का दिमागी, एक तरीके से देखा जाए, नज़रिया चेंज कर देता है और बढ़ा देता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये था आपका SDI। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो बच्चों अब यहाँ पर आ जाते हैं हम पॉइंट्स पे कि भारत में कितना खर्चा करा जाता है शिक्षा के ऊपर। तो हम उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट कितना शिक्षा के ऊपर खर्चा करती है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, दो तरीके से भारत में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को। एक तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल गवर्नमेंट जितना खर्चा करती है उसका एक परसेंटेज निकाल लें, या फिर GDP का एक परसेंटेज निकाल लें। सेकेंड पॉइंट है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बेस पे भी निकाल सकते हो और टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे भी निकाल सकते हो। द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेट दैट इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन स्कीम ऑफ इन द स्कीम ऑफ एक्सपेंसेस बिफोर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन आउट ऑफ आर GDP शोज हाउ मच वी आर कमिटेड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन आर कंट्री। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेट करता है कि हमारे देश में शिक्षा को कितना महत्व दिया गया और शिक्षा के स्कीम के ऊपर कितना सरकार ने खर्चा करा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से एक्सपेंडिचर ऑन GDP की अगर हम बात करें, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आउट ऑफ आर GDP की अगर हम बात करते हैं, तो वो दिखाता है कि हम कितने कमिटेड हैं अपने देश के शिक्षा के विकास के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग 1952-2010, यानी कि 1952 से लेकर 2010 के बीच, एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 7.92% टू 11.1%, एंड एज अ परसेंट ऑफ GDP इंक्रीज फ्रॉम 0.64 टू 3.25%। तो बच्चों मैं साफ साफ बता देता हूँ, यहाँ पर बोला गया है कि टोटल गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है उसमें से सरकार ने 1952 से लेकर 2010 तक जो अपना रेशियो बढ़ाया है वो एक्सपेंडिचर का कितने से कितना कर, पहले जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था हमारा 7.92 सरकार खर्चा करती थी, ठीक है, 1952 में, जो बढ़कर 2010 में हो गया कितना 11.1, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है खर्चा शिक्षा के ऊपर वो मतलब कितना कर दिया गया, जितना भी खर्चा करती थी उसके हिसाब से पहले 7.92 होता था 1952 में, जो आज बढ़ के हो गया 2010 में 11.1, ठीक है। GDP के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो GDP के हिसाब से आज की डेट में 3.25 इंक्रीज करा गया है, ठीक है, यानी कि GDP का 3.25 किस पे खर्च करती है सरकार, शिक्षा के ऊपर खर्च करती है, जो कि 1952 में कितना था 0.64। ड्यूरिंग दिस पीरियड द एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन वॉज नॉट कॉन्स्टेंट, देयर वॉज इरेगुलर राइज एंड फॉल। तो जाहिर सी बात है ये बोला गया कि 1952 से लेकर 2010 के बीच एजुकेशन पे जो भी खर्चा करा गया वो कॉन्स्टेंट नहीं था, यानी कि सेम नहीं था, वो कभी बढ़ रहा था और कभी घट रहा था, यानी कि इरेगुलरली वो क्या था, कभी वो रेगुलर फॉल हो जाता था, कभी क्या हो जाता, राइज हो जाता था। समझ में आया बच्चों? अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। बच्चों इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, शिक्षा पे खर्चे तीन प्रकार से होते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन, आपका सेकेंडरी एजुकेशन पे, और थर्ड हायर एजुकेशन पे। तो यहीं पे बताया गया एलिमेंट्री एजुकेशन पे क्या करा गया। एलिमेंट्री एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर, द शेयर ऑफ हायर एंड टर्शियरी एजुकेशन इज द लीस्ट, बट एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट ऑन द टर्शियरी एजुकेशन इज हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्री
एज वी एक्सपेंड द स्कूल एजुकेशन वी नीड मोर टीचर्स हु आर ट्रेंड इन अ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑन ऑल लेवल ऑफ एजुकेशनल शुड बी इंक्रीज्ड द पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज हाई एज रुपीज 2005 इन हिमाचल प्रदेश टू एज लो एज रुपीज 515 इन बिहार दिस लीड्स टू डिफरेंस ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अक्रॉस स्टेट. तो बच्चों यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि प्राइमरी जो एलिमेंट्री लेवल पे जो प्राइमरी शिक्षा दी जाती है वो उसमें जो हमारे देश में था वो जो स्तर था वो बहुत घटा हुआ था. लेकिन अगर हम बता दें कि हायर और टर्शरी एजुकेशन, हायर टर्शरी इसलिए बोला गया क्योंकि हायर और सेकेंडरी एजुकेशन की अगर बात करें, अगर प्राइमरी शिक्षा नहीं मिलेगी किसी छात्र को तो वो टर्शरी और हायर एजुकेशन को नहीं ले पाएगा, यानी कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को नहीं ले पाएगा. स्टेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे देश में हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हम अपने देश में स्कूल एजुकेशन को कैसे बढ़ाएं. ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स चाहिए होंगे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हों. ठीक है, जितने ज़्यादा ट्रेन टीचर होंगे उतने ज़्यादा अच्छा बच्चों को एजुकेशन मिलेगी. तो प्राइमरी स्तर पे जो बताया गया है कि भारत में जो पहले जो शिक्षा का स्तर था, ठीक है, अगर हम देखते हैं स्टेट टू स्टेट पर कैपिटा एजुकेशन जो एक्सपेंडिचर होता था वो पहले बिहार में देखिए आप कितना होता है, बिहार में 515 यानी कि ₹515 पर बच्चे पे वो एक्सपेंडिचर हो रहा था. किस पे? बिहार में एजुकेशन के ऊपर. जबकि हिमाचल प्रदेश में यही रेशियो कितना हो गया, 2005 रुपीज़, यानी कि प्रति व्यक्ति पे शिक्षा के ऊपर जो खर्च हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा था वो कितना था, 2005 रुपये. ठीक है, और यही कारण था अलग अलग स्टेट में हमारे देश के अंतर्गत अलग अलग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी पाई जाती थी. तो एलिमेंट्री एजुकेशन पे जो भारत सरकार खर्चा करती थी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ. पहले जो खर्चा होता था बिहार साइड में जैसे 515 होता था और हिमाचल प्रदेश में 2005, तो यानी कि देखिए कितना डाउनफॉल है कि हमारे बिहार में शिक्षा का स्तर इतना नीचा है कि वहाँ पे 515 रुपये ही खर्च होते हैं प्रति व्यक्ति के लिए शिक्षा के ऊपर, और जबकि हिमाचल प्रदेश में वहीं शिक्षा के ऊपर कितना प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है, 2005 रुपये. समझ में आया बच्चों? तो ये डिफर है एलिमेंट्री एजुकेशन में खर्चा बढ़ाने के लिए हमारे देश में मोर ट्रेन टीचर्स की जरूरत है जिससे कि शिक्षा पे खर्चे को बढ़ाया जा सके. चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. तो बच्चों अब बात आती है RTI एक्ट, आपने सुना होगा RTE राइट टू एजुकेशन. तो राइट टू एजुकेशन क्या था, इसमें एक रूल था कि 6 से 14 साल के बच्चे देश के अंतर्गत दिसंबर 2002 में सरकार ने एक रूल निकाला और बोला कि हर 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा का, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है. ठीक है, द एजुकेशन कमीशन 1964-66 हैज रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट 6% ऑफ द GDP टू बी स्पेंड ऑन द एजुकेशन सो एज टू मेक एंड नोटिसेबल रेट ऑफ ग्रोथ इन एजुकेशन. तो जैसा कि आपने देखा कि एजुकेशन कमीशन ने 1964 और शिक्षा आयोग जो है 1964 और 66 जो है उन्होंने ये बोला गया जो शिक्षा में GDP का, शिक्षा पे जो पैसा इन्वेस्ट करा जाता है GDP का, वो 6% बढ़ा दिया जाए इन कंपेरिजन टू 3.25, जो कि अभी हमारे देश में कितना है, 3.25 है 2010 तक, लेकिन अब कितना बढ़ा देना चाहिए उसे, कमीशन ने बोला है अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उसे बढ़ा के कितना कर दिया जाना चाहिए 6% GDP का. इन दिसंबर 2002 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द 86 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 1998 अपॉइंटेड. तो बच्चों जैसा बताया कि अपॉइंटेड द तपस मजूमदार कमेटी विच एस्टिमेट एन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 ईयर्स 1999-1992-2006-07 टू ब्रिंग ऑल द इंडियन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ स्कूल एजुकेशन.
डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एजुकेशन इज 6% ऑफ जीडीपी, बट द करंट लेवल इज लिटिल ओवर 4%, विच इज नॉट एडिक्वेट इनएडिक्वेट. इट इज नेसेसरी टू रीच द लेवल ऑफ 6%, विच इज कंसिडर्ड एज मस्ट फॉर द कमिंग ईयर्स. तो बच्चों देखो, अब मैं आपको समझा देता हूँ. 2002 में जो राइट टू एजुकेशन 86वें संशोधन में जो अमेंडमेंट करा गया, भारतीय संविधान संशोधन में जो 86वें संविधान में जो संशोधन करा गया, उसमें कहा गया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया. राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत बोला गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दी जानी चाहिए. 1998 में तपस मजूमदार कमेटी का गठन किया गया, जिसमें बोला गया कि हमारे देश में 10 साल पे शिक्षा का खर्चा जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उसको बढ़ा के कितना कर दिया जाए. जो खर्चा हुआ था 1998 से लेकर 2006 के बीच 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 ईयर खर्चा किया गया, ताकि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके. जैसा कि एजुकेशन कमीशन ने बोला था कि 6% जीडीपी का खर्चा किस पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए था, लेकिन वो अभी कितना हुआ है, अभी अभी करंट में जो मैक्सिमम पहुंचा है वो 4% तक जीडीपी का पहुंचा है. यानी कि हमें कहां तक पहुंचना है, 6% तक पहुंचना है आने वाले सालों में. तो यही बोला गया, जो 4% जीडीपी पे जीडीपी का 4% जो खर्चा किया जा रहा था शिक्षा के ऊपर, प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर, उसे बढ़ा के कम से कम 6% तो करना ही करना है, जिससे कि वो खर्चा लोगों तक जाए. रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड लेविंग अ 2% ऑफ एजुकेशन सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस. द रेवेन्यू फ्रॉम एजुकेशन सेस हैज बीन इम्बार्क्ड फ्रॉम स्पेंडिंग द एलिमेंट्री एजुकेशन. तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया बच्चों कि आपने देखा होगा आज की डेट में जो टैक्सेस में 2% का एजुकेशन सेस भी सरकार ने लगा दिया है. एजुकेशन सेस एक तरीके का टैक्स है, जिसके थ्रू सरकार पैसा कलेक्ट कर रही है एजुकेशन के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए. ठीक है बच्चों, ये था आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर. एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया जनरली. एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन कंट्री आर इंडिकेटेड इन द टर्म ऑफ एडल्ट लिटरेसी लेवल, यानी कि हमारे देश में कितना लिटरेसी लेवल है उस पर मेजर करते हैं. प्राइमरी एजुकेशनल कंप्लीशन रेट. नेक्स्ट है यूथ लिटरेसी रेट. ठीक है, तो ये तीन स्टैटिस्टिक्स थे जिनके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं. 1990 से लेकर 2010 तक के आंकड़े आपको इस क्षेत्र में, यानी कि इस इलाके में आपको दिखाए गए हैं. मैंने जो ये ग्राफ बना के दिया है आपको, इसमें साफ साफ बताया गया कि एडल्ट लिटरेसी रेट कितना था 1990 में, 2000 में कितना था, और 2005 और 10 में कितना था. ठीक है, यानी कि 10-20 सालों का हमने एक लिटरेसी रेट का चार्ट बनाया है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि कितने लोग शिक्षित थे भारत में. ठीक है, एडल्ट लिटरेसी रेट जो था हमारे देश में 1990 में, मेल 61.9% पढ़े हुए थे, फीमेल्स 37.9% थी. बाद में 2000 में ये इंक्रीज होके कितना हो गया, मेल्स 68.4 हो गए और फीमेल्स कितनी पढ़ी लिखी हो गई, 45.4% फीमेल्स पढ़ी लिखी थी. ठीक है, रेशियो बढ़ता जा रहा था हर साल, यानी कि एडल्ट ज़्यादा पढ़ने चालू हो गए थे. ठीक है, जो कि 2010 में बढ़ के हो गया कितना, 76% मेल्स के लिए, 76% हो गया, 76.7% और फीमेल्स का हो गया 54.9%, यानी कि फीमेल्स ज़्यादा इंक्रीज हुई. इसके बाद क्या हुआ, प्राइमरी कंपल्सन रेट, यानी कि प्राइमरी शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी था. ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सन रेट जो था मेल्स का था 78% 1990 में, जो बढ़ के हुआ 2000 में 85% और 2010 में कितना हो गया, 96%. ठीक है, इसी तरीके से फीमेल्स कितनी थे, 100 में से 61 महिलाएं पढ़ी लिखी थी, पार्ट कर रही थी प्राइमरी शिक्षा में 1990 में, जो कि बढ़ के 2000 में कितना हो गया, 69, और 2010 में 95% महिलाएं पढ़ी लिखी थी. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यूथ लिटरेसी रेट. यूथ लिटरेसी रेट का मतलब यंग यूथ कितनी एजुकेशन ले रहा है. ठीक है, तो उसके ऊपर है, मेल 76.6, जो बढ़ के इंक्रीज होके 2000 में 79.7 हुए, और देन उसके बाद 2010 में 88% यूथ
पढ़े लिखे थे, ठीक है। देन उसके बाद मेल्स की बात थी है, और अब बात बारी आती है फीमेल्स की। तो फीमेल्स 1990 में कितने थे, 54.2% थे। 2000 में कितने हुए, 64.8% थे। और देन जो बढ़ के 2010 में कितने हो गए, 74% महिलाएं यूथ लिटरेसी में काउंट हो गई। समझ में आया बच्चों, यानी कि एजुकेशनल अचीवमेंट इंडिया की इस प्रकार थी। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए या देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद रहे स्टैटिस्टिक्स। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, बच्चों अब ये वही चीज़ें हैं कि कितना खर्चा करती है सरकार एजुकेशनल लेवल पे, और एलिमेंट्री पे कितना है, सेकेंडरी पे कितना है, और हायर पे कितना है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 1 to 8, एलिमेंट्री एजुकेशन कवर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 8 प्राइमरी एंड मिडिल इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल हैज़ कंसिडरेबल इंक्रीज इन 2.23 लैक्स इन 1950 and 51 to 11.92 lakhs in 2011 and 12. Near about 97% children in the age of group of 6 to 14 years have been receiving education in schools. तो बच्चों साफ साफ हिंदी की भाषा में आपको समझा देता हूँ, इसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 की शिक्षा को लिया जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन में। इसमें बोला गया जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करी जाती थी। प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षा दी जाती थी 1950 और 51 में पहले 2.23 लाख स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण कर पाते थे, जो कि बढ़ के 2011 एंड 12 में 11.92 लाख पीपल्स यानी कि 92 लाख स्टूडेंट्स कैन गेट एजुकेशन, ठीक है। वहां पर आपका 2011 और 12 में कितने लोगों ने ले ली शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा 11,92,000 लोगों ने शिक्षा ग्रहण करी प्राइमरी सेक्टर में। यानी कि भारत की जनसंख्या के जितने भी लोग थे, जितने भी 6 to 14 एज ग्रुप के लोग थे, उसमें से 97% स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस ने एजुकेशन रिसीव करी, किसमें, स्कूल में या किसी पाठशाला में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरियस पॉलिसी सच एज सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, राइट टू एजुकेशन हैव been playing a major role in enhancing the primary education in India. तो आपको जैसे पता है भारत में शिक्षा के स्तर को, प्राइमरी प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा भारतीय गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं जो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। पहला प्रोग्राम आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा मिड डे मील के नाम से डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम भी है, और राइट टू एजुकेशन प्रोग्राम भी है जिसके अंतर्गत लोग शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सेकेंडरी एजुकेशन की, ठीक है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की, जिसमें क्लास 9 से 12 तक की एजुकेशन आती है। एज पर द सर्वे नंबर ऑफ द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोज 2.32 लाख एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन एट दिस लेवल रेज्ड अप टू 482 लाख। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बोला गया पूरे देश में जो स्कूलों की संख्या थी वो पहले जो प्राइमरी से ऊपर यानी सेकेंडरी स्कूल्स जो थे 1950 के समय पे 2.32 लाख थी, जो आज बढ़ के कितने हो गए 482 लाख स्कूल्स खुल चुके हैं, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या ले रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि 482 लाख स्टूडेंट आज भी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को ले रहे हैं। एज सेंट्रल लेवल नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन इन एट दिस लेवल। सेकेंडरी एजुकेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करा है किसने, केंद्रीय विद्यालय ने, आपने नाम सुना होगा, और नवोदय विद्यालयों ने, ठीक है। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोल प्ले सेकेंडरी एजुकेशन में जो कर रहे हैं वो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय कर रहे हैं सरकार की तरफ से, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हायर एजुकेशन। आई थिंक बच्चों ये लास्ट स्लाइड है तो इसमें आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। हायर एजुकेशन पे कितना खर्चा होता है, एज पर द सर्वे इन इंडिया नियर अबाउट 665 यूनिवर्सिटीज आर इम्पार्टिंग एजुकेशन एट हायर लेवल एंड नंबर ऑफ कॉलेज इम्पार्टिंग जनरल एजुकेशन इज 35,839। बच्चों पहले जो संख्या थी हमारी यूनिवर्सिटीज की जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है वो 665 थी, और नंबर ऑफ कॉलेज जो आज की डेट में हमारे देश में थे, पहले जो थे, पहले कितने थे वो 35,839 कॉलेज थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट
गेटिंग हायर एजुकेशन अबाउट 130 लाख्स इन 2011 एंड 12, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन जीडीपी राइज 1.5% इन 1952, 3.1% इन 2016। जैसा कि मैंने बताया, जीडीपी में पहले 1.5% खर्च हो रहा था शिक्षा के ऊपर, हायर शिक्षा के ऊपर, अब जीडीपी का 3.1 2016 के आंकड़ों के अनुसार खर्च हो रहा था। हमारे हायर एजुकेशन में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 130 लाख स्टूडेंट्स गेटिंग हायर एजुकेशन, ठीक है, और 665 यूनिवर्सिटीज़ और 35,839 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आपको शिक्षा प्रदान कर रहे थे। इन एडिशन टू द सिंस इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन हैज़ इंक्रीज इन सिग्निफिकेंटली इन इंडिया, इन विच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर्स लाइक IIT, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट IIM, ETC आर प्लेइंग अ प्रोमिटिंग रोल्स इन इंडिया। तो आपने देखा होगा हायर एजुकेशन में हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट हैं, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, IITs हैं, IIM हैं, तो जो अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं किसमें, हायर एजुकेशन्स में, यानी कि डिग्री की एजुकेशन्स में, ठीक है। तो ये था हमारा हायर एजुकेशन, आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा इस वीडियो समाप्त हो गया है। इफ़ यू हैड एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। यदि इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होता है, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर या मेल के थ्रू या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।